तीन बातें हैं। एक मौकफ हमारा बड़ा मुस्तकिल था कि रिमांड का पीरियड 14 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा मौकफ था कि सेक्शन 14 के अंदर मुल्ज़िम पर बारे सबूत नहीं होना चाहिए, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे सदाते पे ही रहना चाहिए। और तीसरा ये था कि नैब के चेयरमैन को बिला महदूद इख्तियार नहीं होने चाहिए गिरफ्तारी के, और इन्वेस्टिगेशन से पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे। तो इस किस्म के हमारे जितने थे मौकफ पहले उससे तो इनराफ है, ये इनमें इसमें कोई शक नहीं और कोई तरदीद, बिला खौफे तरदीद में ये अर्ज कर सकता हूँ। और उसी तरीके उसी तर्ज पे वो पहली तरामीम आई थी जो नैब ऑर्डिनेंस। अब दूसरी चीज एक अर्ज कर दूं कि ये याद रहे कि ये नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, 4 महीने के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा आर्टिकल 89 के तहत। नैब के ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी लाइफ नहीं है मोर देन 4 मंथ, जबकि उसको असेंबली उसको एक्ट ना बनाए तो असेंबली तो होगी नहीं 4 महीने में, 4 महीने तक तो ये एक्सपायर कर जाएगा। ये एक ही टेन्योर में है 4 महीने आनी, अब तो एतबार हर चीज से उड़ गया है। 90 दिन का मैं सोच भी नहीं सकता था इसको वायलेट किया जा सकता। रना सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ मिर्ज़ा सही है, तदबीर ने तकदीर के शातिर को किया मात वाली अच्छा। बात है, इनकी तदबीर ज्यादा चल गई है भाई, ये मानते हैं अच्छा। इनके साथी भी और इनके हौसला देने वाले भी बढ़ गए, ज्यादा ताकतवर और मजबूत लोग आ गए, तो ये कर रहे हैं। पर दोनों उस वक्त पे कि जो फैज ने कहा गुलबदस्त आते हैं और पापा रसन जाते हैं, कि ये यहाँ कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या कुछ किस्मत सोने हो जाए नहीं। उनके आने के लिए सहूलत के लिए भी अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेटिसफाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डिनरी लॉ से सेटिसफाइड नहीं हो सकता, वो आइन में तरमीम से ही हो सकता है। आर्टिकल 144(3) के तहत फैसला जो है वो आइनी फैसला है, आइन से के तहत है, उसको आइन में तरमीम के बगैर नहीं उसको कलअदम करार दिया जा सकता। तो आइन की तरमीम के लिए तो इस असेंबली में नंबर भी नहीं है जी, यहाँ 228 चाहिए मेंबर को, 228 नहीं है कोई 186 88 है।